हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की थी अग्निपथ के बारे में, थोड़ा जानने की कोशिश किया है मुझसे। और जैसे कि क्लास में डिस्कस किया था मैंने अग्निपथ के ऊपर, तो कुछ बच्चों ने पूछा, फिर कुछ बच्चों ने जानने की कोशिश करी। ठीक है, तो मुझे लगा कि उन कुछ बच्चों के अलावा बहुत सारे जो भी बच्चे हैं उन सबको ये बेनिफिट मिले कि सब लोग जान पाए अग्निपथ के बारे में। तो मैं ये वीडियो उस पर्पज़ से बना रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको अग्निपथ के बारे में बताया जा रहा है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एज ए टीचर जो बच्चों के लिए करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाना है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन से भी अप्लाई कर सकते हो थल सेना के लिए। ठीक है, नौसेना के लिए क्या कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन से। ठीक है, एंड वायुसेना बोले तो एयरफोर्स, तो एयरफोर्स के लिए आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डी एस सी डॉट इन। ठीक है, तो ये थ्री वेबसाइट हैं, इन पर जाइए जरूर, पूरा डिटेल में अच्छे से आप अपने आप को जानिए। ठीक है, क्या आपके लिए बेनिफिट है और कैसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप इंडियन आर्मी। देखिए, बेनिफिट पे आप लोग फोकस मत करिए, अपने हार्ट पर फोकस करिए। हार्ट आपको जहाँ ले जा रहा है वहाँ जाइए और वो ही चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, देश का सेवा करने का मन है तो आप सेवा करिए, है ना, दिल से सेवा होती है। ठीक है, और चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, सभी कुछ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो आपको करना था वो करिए। ठीक है, स्कैन करिए कोड और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अग्निपथ के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे अप्लाई करना है, जो भी वहाँ पर जैसे ही जाओगे वेबसाइट पर तो आपको अप्लाई वगैरह का मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आपको जैसे ही जाओगे तो आपको ये कैप्चा मिलेगा, उसको फिल करना रहता है, तो वो फिल कर दीजिएगा और इंटर टू वेबसाइट। जैसे ही आप लोग जाइएगा, आप वेबसाइट में इंटर कर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में एलिजिबिलिटी अप्लाई कैसे करना है आपको समझ में आ गया। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप लोग को वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होता है, कौन कौन से सीटें हैं वो सब आपको बताने के लिए, यूज़र नेम वगैरह ये सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप वही सब फिल करोगे, अपना अकाउंट जैसे बनाते हैं ना, वो अकाउंट बनाना बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अकाउंट बन जाएगा, आप अप्लाई कर दोगे। और ध्यान रखें, जब भी अकाउंट बनाओगे प्रॉपर तरीके से बनाना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे बनाते हो आप लोग, ठीक है, वैसे नहीं बनाना, प्रॉपर तरीके से एक अकाउंट बनेगा, उसके लिए आपको डिटेलिंग जाननी बहुत ज़रूरी है। तो डिटेलिंग में जाते हैं, है ना, ये आपको पता चल गया कैसे वेबसाइट पे जाना है, कैसे जो जो वैकेंसीज वहाँ निकल रही होंगी उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या करना है। तो मैं वहीं पर बात करूँगा जहाँ पर बात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात तो लीव कितनी होगी। ठीक है, लीव मतलब आपको ज्वाइनिंग में तो 30 डेज एक साल में आपको एक महीने की छुट्टी मिलेगी। ठीक है ना, सिक लीव भी मिलेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जैसा कि आपको वहाँ पर अगर कुछ होता है तो सिक लीव भी मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊँगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरा डिटेलिंग में पढ़ना रहता है। सबसे पहले तो आपका काम, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे, है ना, सबके लिए एलिजिबिलिटी, 8th क्लास के लिए, 10th के लिए, है ना, और खासकर आपके लिए जो डिप्लोमा वाले वो वेट करेंगे, मैं उनको पूरा प्रॉपर से बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये सैलरीज पैकेज है ना अग्निवीर के। ठीक है ना, तो सैलरी पे ध्यान मत देना। ठीक है, सैलरी बाई प्रोडक्ट होता है, आप काम करो। ठीक है, वो आप लर्निंग के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पहली बात किस चीज़ के लिए ले, लर्निंग के लिए ले रहे हैं, सैलरी पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, मुझे जो भी बात करना है वो यहाँ बात करना है कि डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है उनके लिए। ठीक है, तो देखिए, आप यहाँ पर इस कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हो, अग्निवीर टैक और अग्निवीर टैक एवीएन एंड एम एग्जामिनर। इसमें क्या है कि देखिए, 10+2 अगर है आप लोगों के पास तो वो डायरेक्टली टैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ साथ इंग्लिश होना जरूरी है आपके लिए। 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 40% ईच सब्जेक्ट, मतलब 40%
से कम कोई भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, बस ये बोल रहा हूँ, और 50% से ऊपर होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। और दूसरा है ITI, अगर आप ले रखे हो, अगर 1 ईयर कर रखा है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको कि ITI वालों को कैसे वहाँ पर वेटेज मिलने वाला है, ठीक है, ITI या डिप्लोमा वालों को कैसे वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि बोनस मार्क्स फॉर ITI कोर्स स्किल क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू द बेसिक एजुकेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा स्ट्रीम में हो, ठीक है ना, आपके पास ITI डिप्लोमा का जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, वो है, तो आप लोग इस बेनिफिट को आप लोग अवेल कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 ईयर कोर्स है तो 30 मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 ईयर कोर्स है 40 मार्क्स मिलेंगे, और डिप्लोमा होल्डर हो तो 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है ना, और अपना सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगर NCC सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कोर्स करिए, सर्टिफिकेट लीजिए, है ना, आते ही मैंने इसी बात पे फोकस किया था आप लोगों के ऊपर कि कोई सा भी कोर्स करिए, सर्टिफिकेट लीजिए NIELIT से, ठीक है ना, IT सर्टिफिकेट लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर अभी आप नहीं समझ रहे तो आप फर्दर और भी आप घाटे में जाओगे। मैं तो ये बोलूँगा कि इस कोर्स और सर्टिफिकेट को लेना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 50 मार्क्स अगर ये है तो, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये सब पर्क्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए अलग से अलग से कैटेगरिया है, वो देख लेना आप लोग इसी उसके अंदर। और अगेन बात कर लेता हूँ वहाँ पर कि और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मान लीजिए भाई, मान लेते हैं यहाँ पर कि आप डिप्लोमा अभी तो नहीं किए हो, ठीक है, पर आपने 10th क्लास पास है, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और 33 मार्क्स सब सब्जेक्टों में होना जरूरी है, ठीक है, ये आपको होना जरूरी है, ठीक है, और आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब बात करते हैं 8th क्लास वाले के लिए, 8th क्लास वालों के लिए भी यहाँ पर आपका क्या है, अप्लाई कर सकते हो आप। 8th क्लास का अगर सर्टिफिकेट है जिन बच्चों के पास, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर ट्रेडमेंट्स ऑल आर्म्स 8th पास, क्लास 8th में देखिए बच्चे अगर वहाँ जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, 8th क्लास, ओनली 8th क्लास होना चाहिए। और एज तो आपको पता ही, सब में यही एज है, ठीक है, सब में क्या है, 17.5 to 23 years, ठीक है, तो ये एज लिमिट है, ध्यान रखिएगा। और भी जैसे कि और भी अगर जैसे मान लो कि आप लोग के पास क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है ना, 60% एग्रीगेट, ठीक है ना, CAI 12th इज मैंडेटरी, ठीक है। अग्निवीर ट्रेडमेंट के लिए जो भी है, देखिए जब भी नोटिफिकेशन जब पढ़ो आप इसका, तो जो भी यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा हो ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, और सब तो ठीक है पढ़ना ही पढ़ना है, पर इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 10th के लिए देख लीजिए अग्निवीर ट्रेडमेंट्स, ठीक है, ऑल आर्म्स 10th पास, क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए, ठीक है ना, 33% मार्क्स सब में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। ये सब आपको सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब मैं आपकी मेन बात बताता हूँ कि क्या और बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आप मान लो कि आपने ये वाला टेक वाले में अप्लाई किया, क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो देखिए अभी आप मान लो कि 10th पास हो, आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद कोई ना कोई वहाँ पर आपको स्किल सिखाई जाएगी, ठीक है, और उस स्किल के बेसिस पे आपको 12th का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 10th पास हैं आप, आपने ज्वाइन किया, कुछ स्किल सिखाई जाएगी, तो आपका 12th का वो सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है, 12th सर्टिफिकेट भी देंगे 2 साल बाद वो, समझ में आ रहा, इंडियन आर्मी, ठीक है, वो देंगे नहीं मतलब आपको करना पड़ेगा, स्किल को गेन करना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट ले सकते हो आप, ठीक है, यानी 12th भी हो जाएगा आपका, 10th पास है तो 12th भी हो जाएगा। वैसे ही आपका क्या है, अदर कोर्सेज के लिए भी यहाँ है कि मतलब आप कुछ ना कुछ वहाँ पर सीखते ही चले जाओगे, सीखा एज मैंने बोला ना आपको लिया क्यों जा रहा है, सिखाने के लिए लिया जा रहा है, अब जाओ वहाँ पर अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। इंडियन आर्मी आपको पता ही बहुत ही राउंड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और वो आपको डेवलप करेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग नेगेटिविटी पे मत जाइए, पॉजिटिविटी पे ही रहिए, और अभी तो जस्ट मतलब खाका भी तैयार नहीं हुआ है, गवर्नमेंट अभी और भी सारी चीज़ों पर सोच विचार रही है, ठीक है ना, कि भाई परमानेंट एरिया सब पे डिल्यूजन में मत रहिए, अभी बहुत सारी चेंजेस होने वाली है, तो आप बस इस फोकस पर रहिए कैसे आप बेनिफिट्स उठा सकते हो, ये मत सोचो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और उसके लिए आप लोग जो भी है वो उस पर विचार मत करिए, आप फोकस कहाँ करिए, क्या आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे और कुछ बता देता हूँ मैं आपको इस
जो कि आप लोग को बहुत ध्यान देना है चीज़ों पे। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, प्रॉपर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और अच्छे से उसको आप कवर अप पूरा बढ़िया से, जैसे भी सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, वो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, देख लीजिएगा और प्रॉपर आप उसको कंडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारी की सारी, ठीक है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इन चीज़ों में। और एनसीसी और स्पोर्ट्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना, ये सब होंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। और ये पढ़ लीजिएगा, सर्टिफिकेट, बोनस मार्क्स, सिंगल बैंक, ठीक है ना, अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सारी बातें बहुत ही माइन्यूट हैं पर इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को करना है। अब और अगर आपको जानना है, ठीक है, इसमें मैं सारा चीज़ नहीं बताऊँ, जो मेन क्वेरी थे बच्चों का वो मैं यहाँ पर क्लियर किया हूँ। और भी ज़्यादा जानना है तो आपको वेबसाइट बता दी गई है, और आपको पता ही कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से, मैं आपको और भी इन सब के बारे में और भी डिटेल से आपको बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर क्या करते हैं, वीडियो को एंड करता हूँ मैं। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, बाय बाय।